कोलकाता अब ट्रॉफी जीत भी गई है ना, तो वो सिर से वो भार, मतलब जो मिशन लेके आया था गोती, वो मिशन उसने पहले ही अटेम्प्ट में खत्म कर दिया, पूरा कर दिया मतलब। तो भाई ये गौतम गंभीर की ग्रेटनेस है कि वो इंसान टीम इंडिया का हेड कोच के लिए रेडी है। और सुनने में तो ये आया है भाई, जो रिपोर्ट्स हैं सूत्रों के हवाले से जो मुत्र हुआ है, कि मिस्टर जय शाह और गौतम गंभीर भाई एक ही पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं, दोनों का मिशन एक ही है। लेकिन क्या यार गौतम गंभीर को कोच बनना चाहिए क्या? देखो दो राय हैं, मेरा तो सीधा फंडा है भाई कि कोच बनना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 बनना चाहिए, सख्त है, ये है, वो है, फला है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मोटू पतलू के चुटकुले सुनाने वाला नहीं चाहिए है, सख्त ही चाहिए है भाई। एक ऐसा बंदा चाहिए है जो सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके और आंखों में आंखें डाल के कह सके। ये नहीं है कि मोहल्ले की आंटियों की तरह पीठ के पीछे बात करता फिरे। तो मेरे ख्याल से भाई गौतम गंभीर बिल्कुल सही चॉइस है भाई। लोगों एक बारी गोती भाई का नाम स्पैम कर दो, क्योंकि मैं ये थोड़ा मेरे हाथ दूर है लैपटॉप से, मैं पोल नहीं करा पाऊंगा। मेरे को तो लगता है भाई बनना चाहिए, बेस्ट 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 मैन है यार। और देखो चैंपियन चैंपियन माइंडसेट तो वो बंदा है। तो देखो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो, और ये क्या किया इन लोगों ने रे, 3000 एप्लीकेशन आई है इंडियन कोच के लिए, और उसमें आधे से ज्यादा फेक नाम थे भाई। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से भी अप्लाई की गई है इंडियन हेड कोच के लिए। कि हाँ मैं सच बता रहा हूं, मैं तो, मेरे पास तो टाइम नहीं था ये अप्लाई करने का, नहीं तो हो सकता है मेरा नाम भी चला जाता वहां। 3000 लोग सोचो जरा। और वो ऑस्ट्रेलिया वालों का वैसे ही काट दिया उसने, जय शाह ने कह रहे तुमको तो बुलाया भी नहीं था हमने। वो उधर जस्टिन लैंगर कह रहा है नहीं मैंने डिसाइड किया, मैं पुल आउट कर रहा हूं। अबे तू 3 महीना 13 महीने चुंगड़े, तेरे को बोला किसने था तू कोच बन इंडिया का? एवं खाम खाम मरी जाता है भाई। तो भाई लोगो गौती भाई इंडियन टीम का कोच चाहिए ही चाहिए। तो भाई गौतम गंभीर का बनना कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम इंडिया की रिक्वायरमेंट है यार। गौतम गंभीर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बनाओ ना बनाओ, वो बंदा आईपीएल में चैंपियन बना है अभी अभी। तो हमारी रिक्वायरमेंट है बनाओ भाई बनाओ, एकदम परफेक्ट मैन है भाई साहब, परफेक्ट मैन है।